Hello students, this week we are going to learn Tsunami, a poem for Japan. Children, basically this poem is related to destruction, a kind of natural calamity. बच्चों ये poem जो है एक जो है natural calamities, कुदरती की जो आफत होती है, natural जो disaster होती है उसके रिलेटेड है. लेट्स सी, द वर्ल्ड क्रैक्ड एंड अप यू रोज फ्रॉम द रिंग ऑफ फायर ऑन अ डे व्हेन द गॉड्स वर टू बिजी यू रोड असॉर. दुनिया जो है पूरी तरह से जो है टुकड़ों में जो है कन्वर्ट हो रही थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, और ऐसे टाइम पे तुम खड़े हुए. From the ring of fire, आग के ऐसे गोले में से, है ना, उसमें से तुम खड़े हुए. On a day, वो दिन ऐसा दिन था, when the gods were too busy, भगवान जो है कि वो जो है किसी और काम में व्यस्त थे, बिजी थे. And you roared ashore, और तुम जो है ऐसे समुद्री किनारों से खड़े होके जो है उसके तट से किनारे से खड़े होके आगे बढ़ रहे थे. लाइक 40,000 फियरफुल हॉर्समैन, हियर सुनामी दैट इज कंपेयर टू यू नो 40,000 फियरफुल हॉर्समैन, ऐसे डरने वाले ऐसे हॉर्समैन जो हैं, ऐसे 40,000 उससे कंपेयर किया गया है. नॉट पॉजिंग फॉर हाउसेस, फॉर कार्स, फॉर पीपल, फॉर ब्रेड, और वो रुक नहीं रहे थे ना अपने घरों के लिए, ना खुद के ऐसे कारों के लिए, ना किसी और दूसरे इंसानों के लिए. अरे वे तो सांस जो है उसके लिए भी नहीं रुक रहे थे. ड्रैगिंग देयर किक्स एंड स्क्रीम थ्रू कॉन्क्रीट एंड टिम्बर एंड ट्विस्टेड स्टील स्प्लिंटरिंग पॉन्स लाइक चेरी ब्लॉसम ट्विग्स. और ये चिल्ड्रन ड्रैगिंग मीन्स पुलिंग, खींच रहे थे. ओके, द किक्स एंड स्क्रीम, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, दर्दनाक खौफ था. एंड थ्रू कॉन्क्रीट एंड टिम्बर एंड ट्विस्टेड स्टील दे बेंट कर्व्ड एंड डिस्टॉर्टेड, दे वर यू नो फुल्ली कवर्ड विद कॉन्क्रीट एंड टिम्बर. हर एक चीज जो है तूफान में जो है तहस महस हो रही थी, डिस्ट्रक्शन हो रहा था. स्प्लिंटरिंग बॉन्ड्स, ये चिल्ड्रन, इट मीन्स ब्रेकिंग इनटू शार्प पीसेस, ऐसे नुकीलेदार टुकड़ों से जो है हर चीज जो है टुकड़ों में कन्वर्ट हो रही थी. ओके, हड्डियों में जो है सब कुछ जो है कन्वर्ट हो रहा था. लाइक चेरी ब्लॉसम ट्विग्स, जैसे कि मानो चेरी ब्लॉसम की जो टहनियाँ होती हैं, ऐसे जो है सभी जो है टुकड़ों में कन्वर्ट हो रहा था. इतना जो है हैवी तूफान था, सुनामी आया हुआ था कि हर चीज़ को तहस महस कर दिया था. अनटिल दे वर साइलेंट एंड द वर्ल्ड वॉज साइलेंट, और जब तक ये तूफान जो है कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे बढ़ रहा था, जो है जब तक जो है वो तूफान थमा नहीं, तब तक ये इंसान जो है उनकी भी जो है वे भी थमे नहीं, वो भी पूरी तरह से जो है फिर सन्नाटा छा गया था. हियर चिल्ड्रन, इट मीन्स एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका था. इतना जो है वह दर्दनाक जो है खूंखार ऐसा तूफान था. देन यू slithered away, your children, slithered means moved easily and quickly while curving and twisting just like a snake. अभी सांप की माफिक, सांप की तरह धीरे धीरे तुम रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे. तुम्हें भी चोट लगी थी, तुम्हें भी परेशानी हुई थी, फिर भी तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे. On the belly of the night, lapping the shore while licking your greedy fingers, and after you are
satiated. And सभी लोग जो हैं people tried to save themselves, वे जो है सभी लोग जो है अपने आप को कोशिश कर रहे थे बचाने की. And tried to swim, but they were carried away along with the of the buildings. लेकिन अपने आप को कोशिश कर रहे थे तूफान में, वहाँ पे जो है स्विम करने की भी जो है कोशिश कर रहे, तैरने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं उनको जो है खदेड़ के लेके जाती हैं, पानी में वे सभी बह जाते हैं. देर वॉज कम्प्लीट डिस्ट्रक्शन, सब कुछ तहस महस हो जाता है. एंड वी हैव अनबरीड आर डेड, वी विल क्लाइंब अप आउट ऑफ द मड एंड द सन विल राइज अगेन. और हम जो हैं ऐसे ही जो है मृत हालत में वहाँ पे पड़े रहे, दफनाया भी नहीं गया हमारे जो है डेड बॉडी को. एंड स्टिल देर इज़ अ होप, और सभी भी अभी भी सभी में जो है जो जो कोई जो कोई भी बच गया था, उन सभी इंसान जो हैं सोच रहे थे, दे वर थिंकिंग लाइक दैट ह्यूमंस यू नो डू नॉट गिव अप, वे जो है हार नहीं मान रहे थे. आफ्टर अ कैलमिटी इज़ ओवर, ये जो तूफान जो है ये कुदरती जो घटना है वो ख़त्म जब हो गई थी, दे यू नो दे विल रिबिल्ड देयर लाइफ, फिर से वो अपना जीवन जो है जीवन की शुरुआत करेंगे. नाउ चिल्ड्रन हियर यू नो इट इज़ अ जस्ट लाइक अ सुनामी वेव्स एंड लैप्ड अप एंड कैरिड अवे, मीन्स वो जो है सुनामी के जो वेव्स हैं जैसे कि मानो सभी को जो है अपने अपने आप सभी लोगों को सभी चीज़ों को जो है जैसे कि मानो यू नो डाइजेस्ट कर लिया हो. ओके दैट कैन बी बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग बींग्स, जो जिंदा हैं ऐसी चीज़ों को और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सभी चीज़ों को जो है निगल गए हो. और निगलने के बाद जो है दे वर यू नो इट वॉज लाइक अ रिलीजिंग अ हार्टली मील, जैसे कि मानो उनको निगलते निगलते हुए वो जो है आनंद उठा रहा हो, ऐसा तूफान जो है सब कुछ तहस महस कर डालता है. एंड देन इट लेफ्ट द प्लेस लाइक अ स्नेक, और ये तूफान जो है सब कुछ तहस महस करने के बाद जैसे कि मानो स्नेक जो है रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, इसी तरह से तूफान जो है आगे आगे बढ़ जाता है. आफ्टर यू नो biting someone to death, जैसे कि मानो मृत हालत में किसी को छोड़ के जो है सांप जो है चले जाता है, उसको जो है ऐसे फाइट करते हुए उनके अंतिम जो है सांसें जैसे कि थमी हुई हो, वो परेशान हो, ऐसी कंडीशन में हो कि वो शायद जो है मर भी जाए और शायद जिंदा रह सकता है, ऐसे सच काइंड ऑफ सिचुएशन. So that is what all about tsunami children, and I hope that is clear to you. And children, I want you to you know read this poem, and related to this notes of this poem you will get very soon. Okay, so that is what all about children, tsunami, a poem for Japan. I hope you have you having clear idea about that one. Thank you very much children.